हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सिंगल अम्ब्रेला। मैं हूं रेणु भट्ट। और कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और लॉकडाउन के इस लास्ट फेज को बहुत अच्छे से रूल्स को फॉलो करते हुए निकाल रहे होंगे। और तो अपने आसपास में ऐसा कुछ देख नहीं रही हूं, लेकिन बिलीव मी, आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, आप लोगों के लिए नहीं, हम सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है इस टाइम पर वो सभी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना, क्योंकि लॉकडाउन खत्म हो रहा है भाई, कोरोना वायरस खत्म नहीं हो रहा है। सो बी केयरफुल, जितना केयरफुल आप रह सकते हैं। मैं क्या कह रही थी, लॉकडाउन में जो फिल्मी फ्रीक्स है वो हॉल में जाके मूवीज तो नहीं देख पा रहे हैं, तो क्या किया जाए? तो मुंबई से एक सोल्यूशन निकल कर आया है। वो सोल्यूशन ये है कि मूवीज को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जाए। और ऐसी 7 फिल्में हैं जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली है, या कहें कि अमेज़न प्राइम पर रिलीज होने वाली है, जिसमें से कई फिल्में बहुत बड़े बड़े नाम वाली है। तो जो फिल्में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर यानी कि अमेज़न प्राइम पर जो रिलीज होने वाली हैं, उनके अगर मैं नाम लूं तो सबसे पहले मैं नाम लूंगी शूजित सरकार की गुलाबो शिताबो, एक प्राइसलेस जोड़ी, और शकुंतला देवी बाय अनु मेनन। तो गुलाबो शिताबो का तो ट्रेलर भी आ गया है और आप सभी ने देख लिया होगा, डेफिनेटली आप लोगों को पसंद आया होगा। एक प्राइसलेस जोड़ी जो टैग है वो प्राइसलेस जोड़ी है अमिताभ बच्चन और आयुष्मान खुराना की, यानी कि मिर्जा शेख बाके सोढ़ी की, जिसमें अमिताभ बच्चन फातिमा महल के ओनर हैं और बाके उनके किराएदार जो मकान खाली नहीं करना चाहते। 17 अप्रैल को रिलीज होने वाली थी ये फिल्म, लेकिन अब आप इस प्राइसलेस जोड़ी को 12 जून को अमेज़न प्राइम पर देखेंगे। हमारी दूसरी फिल्म ह्यूमन कंप्यूटर के नाम से प्रसिद्ध शकुंतला देवी के जीवन पर आधारित है, यानी एक और बायोपिक, जिसमें हमें नजर आएंगी वेरी गॉर्जियस विद्या बालन और साथ में नजर आएंगे बहुत ही टैलेंटेड जीसू सेन गुप्ता, जिन्हें हम पीकू और मर्दानी जैसी फिल्मों में पहले भी देख चुके हैं। इनकी बेटी का किरदार निभा रही हैं सानिया मल्होत्रा। इस फिल्म की रिलीज डेट अभी श्योर नहीं है, लेकिन काफ़ी चांसेस हैं कि ये फिल्म हम सभी के सामने जून में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आएगी। शकुंतला देवी के बाद एक और बायोपिक हम सभी फिल्मी फ्रीक्स के लिए आने वाली है, गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल। दिस बायोपिक इज बेस्ड ऑन द फर्स्ट फीमेल एंड इंडियन वुमेन एयरफोर्स पायलट गुंजन सक्सेना अलॉन्ग विद श्री विद्या राजन। इस मूवी को 25 अप्रैल को रिलीज होना था, लेकिन अब ये मूवी OTT प्लेटफॉर्म पर जल्द ही यानी जून में रिलीज होगी। इस फिल्म के मेन लीड में आपको जाह्नवी कपूर नजर आने वाली हैं। अक्षय कुमार और कियारा आडवाणी स्टारर हॉरर कॉमेडी मूवी लक्ष्मी बॉम्ब 22 मई को रिलीज होने वाली थी, मगर लॉकडाउन की वजह से नहीं हो पाई, लेकिन काफ़ी चांसेस हैं कि ये मूवी जून में डिज्नी हॉटस्टार पर रिलीज हो जाए। इस फिल्म को डायरेक्ट किया राघव लॉरेंस ने और ये एक साउथ इंडियन मूवी की रीमेक है। वेरी ब्यूटीफुल कियारा आडवाणी और आदित्य सील स्टारर फिल्म इंदु की जवानी भी आप डेफिनेटली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ही इंजॉय करेंगे। ऑल्दो इसकी रिलीज डेट 5 जून थी, लेकिन हालिया सिचुएशंस को देखते हुए हॉल में इसके या किसी भी फिल्म की रिलीज बहुत मुश्किल लगती है। झुंड वन मोर बायोपिक ऑन स्पोर्ट्स पर्सन, ये फिल्म विजय बरसे के जीवन पर आधारित है, जिन्होंने एनजीओ स्लम सॉकर की नींव रखी। मेन लीड में आपको बिग बी यानी अमिताभ बच्चन नजर आने वाले हैं। ये फिल्म 8 मई को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब देखना ये है कि ये फिल्म ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कब तक रिलीज होती है। अनन्या पांडे और ईशान खट्टर की फिल्म खाली पीली, सरोगेसी और मराठी फिल्म मला आयवा चाय पर आधारित कीर्ति सेनन की फिल्म मिमी के भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रिलीज की संभावना है। इन सभी फिल्मों के अलावा ऐसी कई बड़ी फिल्में हैं जिनके रिलीज के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। अच्छा, ये तो बात हुई इन फिल्मों की। ऑडियंस तो बहुत खुश है क्योंकि उनके एंटरटेनमेंट का साधन बड़ा है। जो फिल्में काफी टाइम से रुकी हुई थी, जिनको पहले रिलीज हो जाना चाहिए था और वो लॉकडाउन की वजह से रिलीज नहीं हो पा रही थी, वो रिलीज हो रही है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू। लेकिन जो लोग अभी टेंशन में है वो है सिनेमा हॉल्स के ओनर, क्योंकि उनका बहुत बड़ा लॉस हो रहा है अगर फिल्में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रिलीज होंगी तो उनका क्या। तो ये बात एक सोचने वाली है, लेकिन अभी अगर फिलहाल सिचुएशन, करंट सिचुएशन को देखा जाए तो 12 जून को गुलाबो शिताबो रिलीज होने वाली है और इन्होंने प्लान बना लिया है सबने कि वो फिल्मों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर रिलीज करेंगे। तो आप इंजॉय करें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ये सारी फिल्में। कैसी लगी आपको जरूर बताएं मुझे जब आप इन फिल्मों को देखेंगे। अभी फिलहाल मुझे रेणु भट्ट दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए सिंगल अम्ब्रेला।